नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मक्खी आवाज में। मैं हूं आपके साथ आरोही सिंह। आइए डालते एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे। न्यूजीलैंड में 1.1 तीव्रता का आया भूकंप, सुनामी का अलर्ट, तटीय इलाकों में रहने वालों से ऊंचाई पर जाने की अपील। भारत और अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन ने बढ़ाया रक्षा बजट, भारत ने मुकाबले 3 गुना से अधिक। भारतीय पहल को बड़ी कामयाबी, संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकारा 2023 की मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव। कोरोना के कारण 497 दिन बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा, 26 मार्च को जाएंगे बांग्लादेश। माइक्रोकॉप्टर स्नाइपर हमला रोधी बुलेट प्रूफ जैकेट और शक्तिशाली जैमर तैयार, केवड़िया में पीएम मोदी करेंगे अवलोकन। बिहार के सभी जिलों में एक साथ छापेमारी, मोबाइल फोन और सिम कार्ड हुए बरामद। टीएमसी ने प्रधानमंत्री की रैली से पहले कोलकाता को ममता के पोस्टरों से पाटने का दिया निर्देश। बंगाल में टीएमसी के सभी 291 उम्मीदवारों के नामों पर ऐलान, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। कोयला और गौ तस्करी मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। महाकुंभ 2021 में निजाम के धोखे के बाद हुआ जूना अखाड़े का उदय। ऋषिकेश में मॉर्निंग वॉक पर निकला गजराज, सामने आई दीवार को तोड़कर बढ़ा आगे। लखनऊ में मकान की नींव खुदाई के दौरान मिले ब्रिटिश काल के सिक्के और ताबीज। बीजेपी का बड़ा ऐलान, केरल में मेट्रो मैन श्रीधरन होंगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। एमपी कैबिनेट ने लिया 3 प्रिंटिंग प्रेस बंद करने का फैसला, कर्मचारियों पर निर्णय लेगी समिति। भारत बायोटेक ने शुरू किया नेशनल कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, शॉर्टलिस्ट में किए गए 10 लोग। अनुराग कश्यप तापसी पन्नू के सपोर्ट में उतरी शिवसेना, सामना में लिखा सरकार के खिलाफ बोलने की मिली सजा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की फिल्म हमारा स्वाभिमान की शूटिंग प्रतापगढ़ में हुई शुरू। यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर को मिला बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग के द्वारा 8 लग्जरी बसें। नवादा जिले के बेला गाँव में खलिहान में आग लगने से बिजली के 4 खून जलकर हुई राख। तांडव केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर लगाए रोक, यूपी सरकार को भेजा नोटिस। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।